As we continue in our worship to our God, let's read Psalm 131. This is among the biggest psalms, but I think we'll take that today. Psalm 131. ये बहुत बड़ा psalm है, लेकिन उसको आज पूरा करके ही छोड़ेंगे. We'll follow the same pattern, however. I get to read two verses, so. Why don't you read one? I'll read uske baad. Aur teesra hum sab saath milkar padhenge. O Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. इस भजन में जाने से पहले हम पहला सामुएल इसका 17वां अध्याय और 28वां वचन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 28. First Samuel 17:28. Could someone read it if they have found it? Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men, and Eliab's anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here, and with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle." I know your pride and the insolence of your heart, the wickedness. मैं तुम्हारे घमंड को भी जानता हूँ और तुम्हारे wickedness, जो तुम्हारी क्रूरता है, उसे भी जानता हूँ. ये किसने कहा? एलियाब ने कहा, जो दाऊद का बड़ा भाई है. और दाऊद उस वक्त क्या था? He was a mere shepherd, जो थोड़े बहुत sheep है. I mean, Eliab is saying थोड़े sheep. He is not even a shepherd of a big flock. No. ये जो थोड़े बहुत शीप है, तूने उनको कहाँ छोड़कर आया? क्या देखने आया है यहाँ तू? ये तुम्हारी दिल में जो घमंड है और तुम्हारी जो क्रूरता है, तुम्हारे जो विकेटनेस है, वो तुम्हें यहाँ ले आई है. दाऊद इन सब के लिए कोई क्या बोलते एलियन. ही वॉजंट एलियन टू दीज काइंड ऑफ एलिगेशंस. उसके लिए कोई नई बात नहीं थी जब उसको कोई दोष देता कि वो विकेट है या घमंडी है, क्योंकि वो जब एक मामूली सा चरवाहा था तब भी उसे ये कहा गया था. अब वो राजा बनने के लिए तैयार है और लोग उससे ये बातें कह रहे हैं, खासकर सॉल, कि उसमें बहुत घमंड है, उसमें बहुत बहुत विकेट है ये. इसने क्या किया? थ्रोन के ऊपर अपना नज़र रखा, इसीलिए उसको पाने की हर कोशिश में ये है. दाऊद उन लोगों के पास जाकर नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ ऐसा, यूसी मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ. नहीं, द फर्स्ट थिंग दैट ही सेज इज़ ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर याहवे, मेरे दिल में कोई घमंड नहीं है. बट आई वॉन्ट यू टू रीड दैट वर्स once again in Hindi. आप कोई पढ़े? बस, ना तो मेरा मन घमंड से, ना मेरी दृष्टि गर्व से भरी है. आई एम नॉट प्राउड. बट ही डजंट गो एंड जस्टिफाइड बिफोर पीपल, ही गोज बिफोर हिज लॉर्ड एंड ही कन्फेसेस इट देयर. हम कहेंगे हमारे दिल में भी घमंड नहीं है, नहीं है, हम हमारे दिल में कोई विकेटनेस भी नहीं है. एक वक्त था जब हम पहले थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें उन सब से आज़ाद किया है. हम शायद आज यहाँ खड़े रहकर कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर दिल देखता है. और ये घमंड क्या है, ये विकेटनेस क्या है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना उस ट्रैप में फंसना बहुत आसान है. गो टू द नेक्स्ट वर्स. सॉरी, नॉट टू द नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट पोर्शन. आई डू नॉट ऑक्यूपाई माई सेल्फ विथ थिंग्स
too great and too marvelous for me. हिंदी में कैसे पढ़ेंगे उसे? उनसे मैं काम नहीं रखता, जो बातें मेरे लिए कठिन है, जो बातें मेरे लिए ऊंची है, those lofty things, मुझे उनसे कोई काम नहीं है. अब आपको सोचना है, यू नो इन क्रिश्चियन वर्ल्ड ये एक, जब हमें कोई अपनी चीज़ मिल जाती है, जब हमें सक्सेस मिल जाता है, जब हमें कोई बड़ा घर मिल जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, हम क्या कहते हैं? गॉड इज़ रियली ब्लेस्ड मी, परमेश्वर ने वाकई में मुझे बहुत आशीष किया है. मतलब ये कि अगर हमें वो नहीं मिलता, हमारी आशीष कम थी. दाऊद वॉज नेवर लाइक दिस. एज अ शेपर्ड ही कुड से यहवे इज माई गॉड माई सेवियर. Are you satisfied in the condition that you are in? क्या आप जिन परिस्थितियों में हैं उसमें आप संतुष्ट हैं, या आपकी आंखें जो है हमेशा उन ऊंची चीजों पर है जो पाने में कभी कभी मुश्किल है? लेकिन हम अपने बच्चों को वही सिखाते हैं कि ऊंचा रखो नजर अपना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है. We even link God with Him. परमेश्वर तुम्हारे साथ है. योर एम्स मस्ट बी हायर एंड वी मेक देम जस्ट एज वर्ल्डली एज द वर्ल्ड इज. जैसा दुनिया है वैसा हम उन्हें बनाते हैं. फर्क इतना है कि हम कहते हैं परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे जो मंजिल है, तुम्हारे जो गोल्स हैं उसे पाने की कोशिश में लगे रहो. बिलावड हाउ रॉन्ग दिस इज. वी थिंक एम्बिशंस बढ़ाना बच्चों में अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं. दी ओनली एम्बिशन, दी ओनली गोल दैट यू मस्ट हैव एंड यू मस्ट टीच योर चिल्ड्रन इज टू ड्रॉ नियर टू गॉड. जोसेफ डिड नॉट हैव एम्बिशंस. जोसेफ डिड नॉट प्लान टू बिकम द गवर्नर ऑफ इजिप्ट. डेविड डिड नॉट हैव एम्बिशंस. डेविड नेवर ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग द किंग. सैमुअल डिड नॉट हैव एम्बिशंस. नो, नन ऑफ देम. They had only one thing, to honor God in everything that they do. Teach your children this, to be sincere in where God has placed them, to be true, but not ambitious. क्या फर्क रहेगा हम में और उन दुनिया वालों में जो ambitions रखते हैं और हम भी उसी rat race में हैं? No, we think we must win because God is with us. नहीं, these are our plans. Our eyes have lifted up to those lofty places. और यहां पर अगर हम घमंड नहीं देखेंगे तो फिर कहां दिखेगा हमें? प्राइड इज वेरी सटल. ये खुलकर आपके सामने नहीं आएगी कि देखो मैं प्राइड हूं. कैन वी गो टू द लॉर्ड एंड से, लॉर्ड माय आईज हैव नॉट लुक्ड फॉर दोज लॉफ्टी प्लेसेस, व्हिच मींस यू हैव टू से थैंक यू लॉर्ड फॉर व्हाट एवर स्टेट आई एम इन. मैं जिन परिस्थितियों में हूं उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं परमेश्वर. मैं आज शेपर्ड हूं लेकिन उसके लिए धन्यवाद देता हूं, इसलिए नहीं कि कल तो मुझे राजा बनाएगा, इसलिए कि तू अब भी मेरे साथ है. तू आज भी मेरे साथ है परमेश्वर. तेरा हर योजना मेरे जीवन में पूरा हो रहा है. तेरी हर योजना, तेरी हर योजना. लेकिन आज भी ख्रिस्ती अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और कहते हैं परमेश्वर इन्हें आशीषित कर. एंड देन व्हेन दे आर फुलफिल्ड वी से हाउ ब्लेस्ड आर वी. क्योंकि इसको नहीं मिला मैं ज्यादा ब्लेस्ड हूं. वी मे नॉट से दैट. जो लोग आज गरीब हैं, जिन लोगों के पास आज कोई बड़ा घर नहीं है, वी आर एक्चुअली सेइंग कि दे आर नॉट एज ब्लेस्ड एज आई एम. हाउ रॉन्ग, हाउ रॉन्ग टू थिंक दैट दीज आर द ब्लेसिंग्स दैट गॉड वॉन्टेड टू ब्लेस अस विद. We sing songs, ne? You are my all in all. You are the precious jewel. We have to go to the Lord and ask, are you my precious jewel, Lord? Are you the one that I would be after? Even if I lose everything, my health, my wealth, my job, would you still be precious to me? Would you still be precious to me, Lord? What kind of ambitions do you have, my brothers and sisters? What kind of things do you look at? When you are raised, David says, I'm not filled with pride. आप अगर आज अच्छी पोजिशन में है, do you look down upon others? Do you say in some way that you are more blessed? Don't do that. Because God is the one who has plans for you. You don't deserve, I don't deserve, we don't deserve nothing. परमेश्वर ले जाता है. परमेश्वर आपसे खुश होकर आपको चीजें नहीं देता. नहीं,
वो उसका प्यार वैसा ही है. He who did not spare his own son, will he not give all those good things for you? लेकिन हमारी दौलत क्या है? क्या दौलत है हमारी? Why do we just rush into a prayer request के you know ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, pray for me. Why don't we say, Lord, teach me not to be anxious in anything, teach me to be thankful in everything, and then the peace that passes all understanding will guard your hearts and your minds. Will guard. आपके मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं, अगर आपने उन्हें परमेश्वर के सामने, अगर आप वो आप नहीं जाते एक धन्यवाद हृदय के साथ, तो आपका मन विल बी ओपन टू ऑल थॉट्स. God's peace is the one that guards you. But the second verse is more important. Could we just look at it? मेरा मन भी ऐसा रहता है. कैसे रहता है? It's too hot. Like a weaned child. किसी बच्चे को जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले कहाँ भागता है? What is the only thing that he wants? माँ का दूध. The only thing he needs his mother is for milk. Is there anything else that he understands? लेकिन एक माँ जानती है कि this is not sufficient for him. That I have to wean him of this. इन्हें इसे इस दूध की आदत छूटनी चाहिए ताकि वो दूसरी चीज़ें खाकर तंदुरुस्त हो जाए. लेकिन is that process easy? क्या ये आसान है? मतलब बच्चे को दूध से छुड़ाना आसान है? माँ कभी कभी दूसरी तरफ देखती है, बच्चा चाहे जितना भी रोए, क्योंकि माँ के दिल में साफ है कि नहीं, ये आदत छूटनी चाहिए. माई चाइल्ड नीड्स लिटिल मोर. And once the child is weaned, does he go to his mother for milk? No. But does he go to his mother? Yes, he does. He enjoys the warmth of her bosom. He just enjoys her love. He enjoys her touch. He enjoys her embrace, her hug, everything. But he doesn't crave for milk. David says, like a weaned child. Pehle mera man us duniya ke चीज़ों के पीछे था. बहुत मुश्किल था उनसे नाता तोड़ना, बहुत मुश्किल था. लेकिन लाइक अ वीन चाइल्ड, जैसे उसमें मुझे मुश्किल होने के बावजूद जैसे मुझे अलग किया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मेरी आत्मा, मेरा दिल जो है उसमें शांत है. लाइक अ वीन चाइल्ड, आई नो लॉन्गर डिज़ायर गॉड फॉर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट. No, I just go to God to experience His love, to be with Him, to spend time with Him. That is my God. But have you weaned yourself of the world and its desires? कभी कोशिश की आपने कि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया की हैं, ये मैं, मेरा मन क्यों वहाँ उतना मतलब मचल रहा है वहाँ जाने के लिए? आपको वो प्रोसेस के से गुजरना होगा, काटना होगा आपको वो हर इच्छा जो आपको परमेश्वर से दूर और दुनिया के करीब ले जा रही है, हर वो इच्छा. बहुत छोटा सा वजन है ये, लेकिन इसमें जो सच्चाई है, वहां पर हम जाएं तो कभी कभी डर लगता है कि परमेश्वर, हैव आई वीन्ड माइसेल्फ? क्या मैंने वाकई अपने आप को दुनिया से अलग किया है? या मैं बिल्कुल इस तरह मिंगल हो रही हूँ कि संडे के दिन कोई नहीं कह सकता कि मैं दुनिया की हूँ, और बाकी छः दिन कोई नहीं कह सकता कि मैं क्रिश्चियन हूँ. ऐसी हिपोक्रिटिकल लाइव्स जीना हम शायद सीख भी लें, बट इट इज़ नो लॉन्गर अ ब्लेसिंग, ना आपके लिए ना आपके लोगों के लिए. You will never become a channel of blessing. But David did. And that is why he says in the third verse, what does he say? Kya kehta hai teesra? Hey Israel. You know, when he finished checking his own life before the Lord, and he sees that there is no pride, no wickedness,
कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें परमेश्वर से परमेश्वर उससे क्रोधित होंगे, तब वो कहता है मेरी आत्मा जो है वाकई में शांति पाई है, और हे इज़राइल तुम भी यहोवा में क्या रखो, आशा रखो। यू नो दिस इज ऑल्सो वॉट द हेड ऑफ द फैमिली मस्ट डू। यू नो आई हैव वीन माई सेल्फ, वेन यू लुक एट योर चिल्ड्रन you must say I have weaned myself of the world, you too hope in the Lord your everlasting father. This is how you bring up a godly family. This is how you check your own life. This is how you examine and see whether you are in the faith. This is how you know that you are not running after the love of money, because the love of money, as 1 Timothy 6:10 says, has people have pierced themselves with many griefs. Aaj hamare जिंदगी में जो ग्रीफ्स हैं, जो दुख है, पीछे मुड़कर देखिए किस वजह से है वो। कहीं इस वजह से नहीं कि हमारी चाहत दुनिया की चीज़ों के लिए ज़्यादा हो रही है, कहीं इस वजह से नहीं कि हमने परमेश्वर को मतलब बहुमूल्य बहुमूल्य कहा है लेकिन सिर्फ ज़ुबान से, कि हमारी जो तिजोरी है, हमारी जो दौलत है वो परमेश्वर को छोड़ के कोई और है। लेट इट नेवर बी सो। हे इज़राइल, hope in the Lord whose everlasting love is true. Hope in the Lord. आप किन परिस्थितियों में हैं मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर आपसे यही कहता है, hope in the Lord. Hope in the Lord. Rejoice in the Lord. And God will bless your lives, use your lives. That is a true blessing, my brothers and my sisters. That is a true blessing. Desire that. Shall you look to the Lord in prayer? प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, मुश्किल है परमेश्वर, आज हम अपने आप को अगर आपके सामने खड़े रहकर अगर हमें ये कहना पड़ा कि हमारे दिल में घमंड नहीं, हमारे दिल में विकेडनेस नहीं, परमेश्वर हम बोल भी दे लेकिन परमेश्वर तू हृदय देखने वाला परमेश्वर है, तुझसे कोई बात छुपी नहीं परमेश्वर। इसलिए मांगते हैं परमेश्वर कि अगर हमारा दिल आज भी उस दुनिया के पीछे है तो हमें माफ़ कर परमेश्वर, हमें उससे छुड़ा परमेश्वर, जैसे एक दूध पीता बच्चा अपने माँ से छूट जाता है, परमेश्वर हमें ऐसे छुड़ा और तू अपने पास ले, अपने करीब ले, ताकि तुझ में रहकर हम संतुष्ट हो परमेश्वर, ताकि तू ही हमारा सबसे मूल्यवान तिजोरी हो परमेश्वर, तू ही हमारी दौलत है परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर दाऊद के लिए और उसके इस भजन के लिए, तेरे वचन के लिए, तेरे वचनों में हमें चला परमेश्वर, हमें अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो कबूल कर, आमीन।